इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो बागपत से आ रही है। बागपत में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हो गई है। आपको बता दें स्कूल बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर बागपत से आ रही है, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ौत से हरियाणा से सोनीपत जा रही थी बस, बड़ौत में NH 709B पर यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें आज की बड़ी खबर बागपत से आ रही है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। तो विश्वजीत, ये कोहरे की वजह से हादसा हुआ तो इसमें किसकी लापरवाही मानी जाए? क्या ड्राइवर की कोई लापरवाही थी जिस वजह से हादसा हुआ है? देखिएगा, ड्राइवर की बात मानी जाए तो जो पूरी की जो गलती थी कोहरे की वजह से, जो ट्रक था, जो ट्रेलर था, वो तेज रफ्तार पे आ रहा था जैसे कि ड्राइवर ने बताया, और उसने आकर के सीधा जो है स्कूल बस में टक्कर मार दी। पूरी जो वारदात है बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के जो है टोडी गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है। दिल्ली अमनोत्री हाईवे 709B पर ये पूरा हादसा हुआ, जिसके बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने वहां पर मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद को लेकर के जो है वहां से जो स्कूल बस थी और ट्रक था उसको हटवाया गया। जी विश्वजीत, जो बच्चे हैं इसमें बताया जा रहा है कि 18 बच्चे घायल हैं, तो क्या किसी बच्चे को अधिक चोट आई है या मामूली चोटें ही आई हैं बच्चों को? देखिए, बस में 18 बच्चे सवार थे जो स्कूल बड़ौत से स्कूल जा रहे थे। जो सभी बच्चे हैं अभी सुरक्षित हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चोट उनको नहीं आई थी, जो सामान्य चोट थी जिनको उपचार कराने के बाद जो उनको भेज दिया गया है। जी विश्वजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।